ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट या वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने वेरिएंट पिन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। हमेशा की तरह तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। फिर उसके बाद जाना है गाइस आप सभी को ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो से जाने के बाद आप सभी को यहाँ पर अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है? मॉडल का जो गाइस मैंने बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिस भाई को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत ईजी सी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों से, ठीक है? उसके बाद गाइस आप सभी को मॉडल को जिस टाइप से लगा देना है, एंड उसके बाद जो है गाइस आप सभी को ब्रश पे जाना, आप सभी को हार्ड ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, एंड इसको जो साइज अराउंड कुछ 20 20 तक रख लेना, ठीक है? एंड उसके बाद आप सभी को जाना है लेयर में, एक इम्पिटेड लेयर बना लेनी है, ठीक है? एंड जो फिर उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो है लेयर को आपको अपने मॉडल के ऊपर ही रखना है, ठीक है? लेयर को जो है मॉडल के ऊपर ही रखना। एंड उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आप सभी को फिर क्या करना है। आप सभी को फिर फोटो को अपनी जूम कर लेना कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आप सभी को ना गाइस यहाँ पे एक लाइन सी ड्रॉ करनी है, मतलब जो शेडो बनानी है उसके, मैं आपको बताता हूँ कुछ इस टाइप से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? एक ऐसी, और एक इस उसके साइड में एक इस तरीके से, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर इसके जो साइज़ है इसको यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है, ठीक है? एंड साइज़ को बढ़ाने के बाद गाइस कुछ इस टाइप से आप सभी को उसको पूरा फील कर देना कुछ इस टाइप से, ठीक है? एंड उसके बाद आप सभी को इसी टाइप से एक इस शूज़ के पास से भी इधर से की तरफ एक शेडो ले जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को एक इधर से कर लेना। एंड उसके बाद आप सभी को आगे से कुछ एक इस टाइप से ड्राइंग से बना देना है, ठीक है? मतलब कि एक छोटा सा कुछ एक फेस टाइप का बना देना है। एंड उसके बाद इस लेयर को ले जाना अपने मॉडल के नीचे, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, इसकी ओपेसिटी कम कर लेनी है गाइस, देखना। फिर उसके बाद आप सभी की जो शेडो है एकदम बन के तैयार हो जाएगी। तो आप सभी को अभी करना है कि अभी इस शेडो को बढ़ा के रख लेना। एंड उसके बाद फिर इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को नीचे नीचे का एरिया जो है इसको इरेज कर देना है। मतलब कि इरेज इसलिए करना है क्योंकि यार आप शेडो तो यार जो मतलब पैर के पूरे बाहर तो जाती नहीं है ना, तो आप सभी कुछ इस टाइप से जो वेस्ट एरिया है इसको आपको यहाँ से सिंपली इरेज कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है? आप सभी कुछ इस टाइप से इरेज कर देना है। एंड उसके बाद फिर क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से फटाफट इरेज कर लेता हूँ, एंड इस साइड से भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? तो कुछ थोड़ा सा एरिया मेरा गाइस वहाँ पे रह गया जहाँ पे मेरा फील करना था। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं ऐसे अंडो कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैंने अंडो कर लिया। एंड उसके बाद मैं ऐसे थोड़ा सा साइज़ को जो है कम कर दूँगा फिर इसको इस टाइप से। तो कैसे यहाँ पे हमारा फील हो चुका है, ठीक है? तो उसके बाद अब यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे कम। तो कैसे देखिए, हमारी शेडो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे तैयार हो चुकी है, ठीक है? तो आप सभी कुछ इस टाइप से शेडो बना लेनी है, ओके? सो उसके बाद आप सभी को अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डन वाले उसमें क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है, एंड यहाँ से डिस्कार्ड करके बैक चलना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को जो है ये नेट का पीएनजी लेना है, ठीक है? तो यहाँ से मैट फोटो में चलेंगे, एंड ये नेट के पीएनजी को ले लेंगे। एंड इस पीएनजी को आप सभी को गाइस कुछ इस टाइप से लगा लेना है, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से लगा लेंगे, मतलब कि दिखाना है कि हम इससे हम ये जो लाइक्स जो उड़ रहे हैं इनको हम पकड़ने जा रहे हैं इससे, ठीक है? तो उसके बाद आप सभी जाना है इरेजर टूल में, हार्डनेस को फुल कर लेना है, फोटो को जूम कर लेना है, एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को इरेज कर लेना है। मतलब जो बीच बीच का एरिया है कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है, मतलब कि दिखाना है कि हाँ ये हमने हाथ में ही पकड़ रखा है, ठीक है? तो यहाँ से हम इरेज कर लेंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल, एंड थोड़ा सा हम नीचे वाली साइड से भी कर लेंगे यहाँ से। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने इसको भी इरेज कर लिया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डन कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पे हमारी फोटो का भी देखिए परफेक्ट लग रही है ना? तो उसके बाद अब आप सभी को करना है कि आप सभी को ऐड फोटो में जाना है, एंड आप सभी को एक पीएनजी और लेना है ये वाला। एंड इस पीएनजी को आप सभी को कुछ इस टाइप से लगाना, फुल स्क्रीन कर देना है, एंड कुछ इस टाइप से लगा देना है। तो देखिए गाइस, इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है हमारी वीडियो में, फोटो में, सॉरी, ठीक है? तो गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे, तो आप डन कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम ऐसे टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को बढ़ाना ऊपर की तरफ, इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है, साइज को थोड़ा छोटा कर देना है, एंड फोटो को कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस आपसे पूरी बॉडी को ऊपर डोजन बन करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो थोड़ा नेक के पास भी कर देते हैं, एंड उसके बाद जो है हम थोड़ा यहाँ पे भी कर देंगे, एंड यहाँ पे पैरों पे भी कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। एंड जो इसका अमाउंट है गाइस अराउंड कुछ आप सभी को रखना है 20 के आसपास, ठीक है? तो मैं अराउंड कुछ यहाँ पे 22 तक रख लेता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे डन कर देंगे। एंड उसके बाद फोटो को सिंपली सेव कर लेंगे, एंड इसको हम ओपन कर लेंगे लाइट रूम ऐप में, ठीक है? सो लाइट रूम ऐप में फोटो ओपन हो चुकी है। तब क्या करना है, आप सभी को लाइट में जाना है, एंड उसके बाद आप सभी को कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को जो है उसको भी को थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेना है, शेडो को जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेना है, जो व्हाइट है इसको बढ़ा देना है, जो ब्लैक है इसको भी आपको हल्का सा कम कर देना है। जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, ठीक है? टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर देना है, एंड जाना कलर्स मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना, एंड येलो कलर में जाना है, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, डार्क ब्लू में जाना है, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना, ठीक है? इतना करने के बाद आपको डन कर देना है। एंड उसका जाना कलर्स के नीचे वाले टूल में, एंड उसका जो फोटो की क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना है, एंड उसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रीन अमाउंट मिलेगा, इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज कर देना है, नॉइज़ रिडक्शन आप सभी को उसको ही बढ़ा देना है, एंड जो कलर नॉइज़ रिडक्शन आप सभी को उसको ही बढ़ा देना है।
तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो बाकी मैं आप सभी के लिए वीडियो ला दूँगा। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।